हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 9 में देर रात चोरों ने एक घर में सेंध लगाकर 10,000 रुपए नकदी, 2 मोबाइल फोन व अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। संजीव कुमार ने बताया कि वह विदेश में रहते हैं, वह अपने मकान की मरम्मत करवा रहे हैं। सुबह जब मरम्मत कार्य का जायजा लेने के लिए आए तो मकान के ताले टूटे हुए पाए। उन्होंने परिजनों व पुलिस को इसकी सूचना दी। बस स्टैंड पुलिस चौकी से टीम मौके पर जांच के लिए पहुंच गई। पुलिस ने वारदात की जांच के लिए डॉग स्क्वाड टीम की सहायता भी ली। करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र तक पुलिस ने अपना सर्च अभियान जारी रखा। भवन में मरम्मत कार्य के लिए रखी हैवी मशीन पर चोर हाथ साफ कर गए। पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस घटना की हर पहलू से छानबीन शुरू कर दी गई है। काम पर लगे मजदूरों से भी पूछताछ की जा रही है। जिला मुख्यालय हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 9 में एनआरआई के घर पर हुई चोरी के मामले को सुलझाने के लिए जिला पुलिस शहर के सीसीटीवी भी फुटेज भी खंगालेगी। पुलिस को उम्मीद है कि शहर के विभिन्न चौराहों पर लगे सीसीटीवी से छात्रों का कोई न कोई सुराग मिल सकता है। बता दें कि वार्ड नंबर 9 में जिस घर में चोरी हुई है उस घर को जाने वाले रास्ते के साथ पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक और 2 होटल हैं। इन सभी संस्थानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। घर में चोरी के मकसद से घुसने वाले आरोपियों के आने जाने की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो सकती है। रात को एनआरआई संजीव कुमार अपने एक रिश्तेदार के पास गए हुए थे। वह करीब 4 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से हमीरपुर अपने घर पहुंचे थे। घर पर कोई सदस्य मौजूद न होने के चलते छात्रों ने घर के दरवाजे का ताला तोड़ा और कमरे के भीतर जो भी नामी कंपनी के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत 10,000 रुपए नकदी ले उड़े। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए घटनास्थल का जायजा लिया, लेकिन अभी तक मामले को सुलझाया नहीं जा सका है। इधर पुलिस थाना हमीरपुर के प्रभारी संजीव गौतम ने बताया कि पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली है। उन्होंने कहा घर के आसपास के स्थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी चेक किया जा रहा है ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके।